कार किसान भाइयों, नमस्कार। वेटनरी के स्टूडेंट्स, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे कि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने पशु को क्या खिला सकते हैं, क्या आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि उनका दूध बढ़े और आपका पशु बिल्कुल भी बीमार ना हो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी है, आजकल पारा 35 से 40 डिग्री तक और कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो इसमें हमारे पशु में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पानी कितना पिलाना चाहिए आपको आज के दिनों में, गर्मियों के दिनों में। तो गाइस, 3 टाइम आपको अपने पशु को पानी पिलाना है, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर पशु 35 से 40 लीटर पानी पी लेते हैं पूरे एक दिन में, लेकिन अब गर्मियों में वो ज़्यादा पानी पीते हैं, ये 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के पास नज़दीक में कहीं तालाब है या कोई नाला है, तो आप अपने पशु को वहाँ पर नहलाने के लिए ज़रूर ले जाएं। 1-1.5 घंटा अपने पशु को ज़रूर नहलाएं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप घर में हैं तो पशु को 1 टाइम तो ज़रूर नहलाएं, और दोस्तों धूप में अपने पशु को ज़्यादा ना रखें, उनको ठंडा वातावरण प्रोवाइड करवाएं। गर्मियों में आप पशु को किस तरह का चारा खिलाएं? तो दोस्तों, गर्मियों में पशु का चारा बिल्कुल संतुलित होना चाहिए ताकि पशु को प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज, विटामिन, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो सके और आपके पशु की ग्रोथ हो सके। दोस्तों, आप गर्मियों में अपने पशु को चरी खिला सकते हैं, जौ, मक्का, लोबिया, ये सब चीज़ें आप अपने पशु को खिला सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पशु को दिन में 3 बार चारा जरूर डालें दोस्तों, क्योंकि गर्मियों में जो है पशु को भूख कम लगती है, तो इसलिए पानी की मात्रा भी आपको रखनी है ताकि आपका पशु ठीक से चारा खाए। और दोस्तों, अगर आप पशु को चराते हैं तो पशु को चराने का सही समय क्या है? तो दोस्तों, या तो आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम पशु को चराएं, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम चराओगे तो आपके पशु को काफ़ी गर्मी लगेगी और उसको लू नामक एक बीमारी है, वो आपके पशु को संक्रमित कर सकती है। पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को फीड्स वगैरह भी दे सकते हैं, फीड आप उसको दाना बनाकर खिला सकते हैं, सुबह के टाइम दे सकते हैं, शाम के टाइम दे सकते हैं, और विटामिन प्रोवाइड करवाने के लिए आप अपने पशु को नमक जरूर चटाएं। 20 से 30 ग्राम आप अपने पशु को डेली नमक चटाएं, और इसके साथ नमक चटाने के साथ साथ आप अपने पशु को पानी की मात्रा बिल्कुल भरपूर रखें, ठीक है दोस्तों। इससे आपके पशु की जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और दोस्तों, जितना हो सके हरा चारा खिलाएं, और हरे चारे से क्या होता है कि पशु में जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अरे भाइयों, गर्मियों में पशु को लू नामक बीमारी भी संक्रमित कर सकती है, तो इस पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक।